दोस्तों, आज के समय में हर किसी के पास स्मार्टफोन मौजूद है। हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पसंद करता है। और देखा जाए तो आप हमारे इस वीडियो को अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप में ही देख रहे हैं। आप स्मार्टफोन तो यूज़ करते हैं, लेकिन आपको स्मार्टफोन से जुड़ी कुछ मज़ेदार बातों के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या है मज़ेदार बातें आपके ही स्मार्टफोन से जुड़ी हुई। फैक्ट नंबर 15। अगर आपको लगता है कि आपका स्मार्टफोन एकदम साफ और बढ़िया है, तो आपको बता दें कि आपके टॉयलेट में जितने बैक्टीरिया मौजूद हैं, उससे लगभग 18% ज़्यादा बैक्टीरिया आपके स्मार्टफोन पर मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 14। स्मार्टफोन हो और सेल्फी लेने का क्रेज़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आजकल तो हर कोई सेल्फी लेने में लगा रहता है, पर क्या आप जानते हैं कि पहली फ़ोटो मोबाइल से कब खींची गई थी और किसने खींची थी? आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 1997 में फिलिप्पे ने पहली फ़ोटो खींची थी और इन्हीं ने ही कैमरे वाले फ़ोन की खोज भी की थी। फैक्ट नंबर 13। अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, लेकिन पहले तो टेक्स्ट मैसेज ही भेजे जाते थे। पर क्या आपको पता है कि पहला टेक्स्ट मैसेज किसने भेजा था? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला टेक्स्ट मैसेज नील पॉपवर्थ ने भेजा था और इस टेक्स्ट मैसेज में लिखा था मैरी क्रिसमस। फैक्ट नंबर 12। इस जानकारी को जानने के बाद आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। इस दुनिया में 4 बिलियन लोगों के पास अपना खुद का स्मार्टफोन है, लेकिन वहीं 3.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का टूथ ब्रश भी नहीं है। फैक्ट नंबर 11। अगर आप सोचते हैं कि आपका स्मार्टफोन सबसे मजबूत है, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि सोनी एक्सपी 3300 को दुनिया का सबसे मजबूत फ़ोन बताया गया है। इस फ़ोन को 84 फीट की ऊंचाई से भी गिराया गया, लेकिन इस फ़ोन में कुछ नहीं हुआ। इस फ़ोन का यह रिकॉर्ड गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में भी दर्ज हुआ है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज के लोग स्मार्टफोन टॉयलेट में भी यूज़ करते हैं, और ब्रिटेन में हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा स्मार्टफोन टॉयलेट में ही गिर जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। अब तो खैर प्रीपेड का ज़माना है, लेकिन पहले तो पोस्टपेड बिल आया करते थे। लेकिन आपका बिल कितना आया होगा, 3000 या 4000? पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोबाइल का सबसे महंगा बिल 1,42,000 पाउंड आया था, यानी कि 1,36,00,000 से भी ज़्यादा। यह बिल भेजा गया था सेलिना ओरोस, जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा में रहती थी। फैक्ट नंबर 8। और आपको इस बात पर भी बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि रोज़ाना एक आदमी कम से कम 100 बार अपने फ़ोन को लॉक और अनलॉक करता है। फैक्ट नंबर 7। आप स्मार्टफोन किस लिए यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहने के लिए, या फिर फ़ोटो क्लिक करने के लिए, या फिर वीडियो देखने के लिए? लेकिन आप गलत हैं। आपको बता दें कि दुनिया के 49% लोग मोबाइल केवल गेम खेलने के लिए उपयोग करते हैं। 30% लोग फ़ोन का उपयोग सोशल मीडिया साइट पर कनेक्ट रहने के लिए करते हैं। फैक्ट नंबर 6। और आपको यह जानकर सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि इस पूरी दुनिया में बनने वाले 70% मोबाइल चाइना में ही बनते हैं। फैक्ट नंबर 5। हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ कुछ लोग ही वाटरप्रूफ मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन जापान में 90% से ज़्यादा लोग वाटरप्रूफ मोबाइल का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान में रहने वाले लोगों को नहाते समय भी स्मार्टफोन उपयोग करने की आदत है। फैक्ट नंबर 4। आपको बता दें कि बाज़ार में बेचने के लिए सबसे पहला फ़ोन 1983 में बनाया गया था, और यह फ़ोन अमेरिका में बना था। पर क्या आप जानते हैं कि इस फ़ोन की कीमत क्या थी? इस फ़ोन की कीमत 2.5 लाख रुपए रखी गई थी, और इस फ़ोन को मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। फैक्ट नंबर 3। मोबाइल बाज़ार में एक से बढ़कर एक फ़ीचर वाले फ़ोन मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन कौन सा है? वह फ़ोन कोई और नहीं बल्कि नोकिया का 1100 है। जी हाँ, नोकिया 1100 फ़ोन की बिक्री 250 मिलियन से भी ज़्यादा हुई है, और यह फ़ोन अपने आप में भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन से सबसे पहली कॉल किसने की थी? तो आपको बता दें कि पहली कॉल मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल सन 1973 को की थी। मार्टिन कूपर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी मोटोरोला कंपनी की कर्मचारी थी। फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है जापान में 1979 में NTT द्वारा पहला 1G नेटवर्क लॉन्च किया गया था? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे फैक्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।